friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. So, स्वागत है आपका ECLE के इस चैनल पर और welcome to the ECLE 5 minute English में आपका स्वागत है. आज हम Proverbs देखेंगे. Proverbs मैंने कुछ 5 मिनट इंग्लिश वाली क्लास में मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कुछ. तो आज ऐसे ही मैं 5 प्रोवर्ब्स लेके आया हूँ जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो एज वेल एज बोलते हो. लेकिन क्या रहता है कि जो इंग्लिश जो स्टूडेंट्स रहते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि हम इसको कैसे बोलते हैं, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको कैसे बोलेंगे. जैसे कि मैं बोलूँगा बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा. तो जब स्टार्टिंग में क्या रहता है कि उनको समझ में नहीं आता है, और क्या रहता है कि इसका ट्रांसलेशन भी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब कुछ अलग निकलता है, क्योंकि ये क्या है, ये मुहावरे टाइप की प्रोवर्ब्स हैं. ठीक है, तो इनमें दिक्कत होती है. तो वही आज हम प्रोवर्ब्स आपके बीच में 5 प्रोवर्ब्स लेके आया हूँ. यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें. तो देखते हैं, फर्स्ट प्रोवर्ब है बहती गंगा में हाथ धोना. बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या होता है. बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है कि कोई काम पहले से चल रहा है उसमें आप शामिल हो जाओ, घुस जाओ. मतलब जो काम हो रहा है उसमें आप भी शामिल हो जाओ, मतलब बहती गंगा में हाथ धोना. तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो इसको अंग्रेजी बोलते हैं मेक हे वाइल द सनशाइन. मेक हे वाइल द सनशाइन मतलब बहती गंगा में हाथ धोना. मेक हे मतलब मेक हे, सूखी घास बनाना नहीं है. इसका ट्रांसलेशन अलग निकलेगा, लेकिन अगर इसका प्रोवर्ब्स के तौर पर हम जाना तो यही रहेगा कि मेक हे वाइल द सनशाइन. मेक हे वाइल द सनशाइन मतलब बहती गंगा में हाथ धोना. ऐसी नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस. क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो आपने सुना होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका वो है उसको सब कुछ कर सकता है. जैसे कि आपने सुना भी होगा कि चलो अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, अभी मतलब केसेस भी बढ़ रहा बहुत सारे. तो एक तरफ जो सरकार है वो बोल रही है कि भाई मतलब 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सब कुछ सुना होगा ना, ये कर रही है. दूसरी ओर वही जो लीडर्स है जो बोल रहे हैं वो उनका पालन नहीं कर रहा है. तो लोग बोल रहे हैं कि या क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कुछ भी कर सकता है. क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइट इज़ राइट. क्या, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस. जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है जैसे को तैसा. सुना होगा जैसे को तैसा, आपने जरूर सुना होगा जैसे को तैसा. तो जैसे को तैसा क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जिस मतलब कि जिस व्यक्ति ने हमारे मतलब मेरे साथ कोई मतलब खराब बिहेव किया, रूडली बिहेव किया, तो मैं भी उसको वैसे ही करूँगा. ठीक है, अगर किसी ने सवाल जवाब किया अलग प्रकार से, तो मैं भी उसी भी में जवाब दूंगा. अगर आप अच्छे से बात करोगे तो आप अच्छे से करेंगे, मतलब जैसे पाओगे वैसे आओगे. न्यूटन के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है. सुना होगा प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया. तो ये जैसे को तैसा, इसका मतलब क्या होता है, फिट टिट फॉर फैट. टिट फॉर फैट मतलब जैसे को तैसा, जो जैसा है उसको वैसे ही आप जवाब दे रहे, जैसे को तैसा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट है कि धन से धन कमाना या पैसे से पैसा बनाना. आप सुना होगा धन से धन कमाया जाता है. सुना है ना, धन से धन कमाया जाता है. सुना होगा धन से धन कमाया जाता है. तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, धन से धन कमाया जाता है. तो इसका मतलब होता है मनी बिगेट्स मनी. क्या, मनी बिगेट्स मनी मतलब धन से धन कमाना. धन से धन कमाया जाता मतलब मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है. आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत आपने यूज़ किया होगा. ऐसी एक नेक्स्ट है, आपने एक फेमस है, फेमस क्या है, फेमस एक को सुना होगा कि एक पंथ दो काज. एक पंथ दो काज या हम दूसरे में बोले एक तीर से दो निशाएं लगाना. सुना होगा ना, एक तीर से दो निशाएं लगाना, एक पंथ दो काज. तो आपने इसको बहुत सुना होगा, तो मतलब एक काम के साथ दूसरा हो जाए. तो इसको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स क्या है, इसकी प्रोवर्ब्स क्या है, टू किल टू वर्ड विथ वन स्टोन. मतलब टू किल, टी ओ टू किल टू वर्ड, टी डबल ओ टू वर्ड, टू वर्ड्स विथ वन स्टोन. मतलब एक पत्थर से दो क्या, दो दो वर्ड्स को मारना.
तो क्या है, एक मतलब क्या है, एक पंथ दो काज, जिसको हम एक पंथ दो काज हम बोलते हैं। तो ये आज की छोटी सी क्लास थी, ये छोटी सी प्रोवर्ब्स थी। आपको प्रोवर्ब्स कैसे लगी, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे हो। तो अगर आपके लिए यूजफुल रहे तो इस वीडियो को आप इसको नोट कर सकते हैं, एज वेल एज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक रिश्तेदारों को शेयर करो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश आप सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।